दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। आजादी, साहस और बलिदान में देश की धरती को खून का तिलक करने वाले चंद्रशेखर सीताराम का जन्म 23 जुलाई 1906 में बाबरा मध्य प्रदेश में हुआ और वो बचपन से ही धनुष चलाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने अपना बचपन वीर बच्चों के साथ बिताया और वहीं से वह धनुषबाजी करना सीखे और अपने लक्ष्य को भेदना सीखे। इस वीडियो के साथ साथ आप मेरे शब्दों को विजुलाइज भी करें, जिससे आप चंद्रशेखर आजाद के जीवन को और गहराइयों से जान सकेंगे। धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो वह किसी व्यापारी के साथ मुंबई पहुंच गए और उन्होंने मुंबई में कुछ दिन नौकरी की। नौकरी करते करते उनके मन में यही ख्याल चलता रहता था कि यही करना था तो वह घर से भागकर क्यों आए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने निश्चय किया कि वे भारत की आजादी के लिए लड़ेंगे और बनारस के लिए निकल पड़े, क्योंकि बनारस उस समय गुप्त क्रांतिकारियों का गढ़ था और बहुत ढूंढने के बाद वे गुप्त क्रांतिकारियों के दल के सदस्य बने और बनारस में वे काशी विद्यापीठ से संस्कृत भी सीखे। बढ़ते समय के साथ अंग्रेज अपना भय लोगों के दिलों में डालना चाहते थे और 13 अप्रैल 1999 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से लोगों के दिलों में बहुत ही बड़ा भय बन गया। और उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चल रहा था और चंद्रशेखर आजाद ने उस आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने की वजह से उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय चरखा आजादी का प्रतीक बन चुका था और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने कदम आजादी की ओर बढ़ा चुके थे। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। और जब उनसे घर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर आजाद को इतना निडर और साहसी देखकर ब्रिटिश जज तिलमिला गए और उन्हें 15 बैंतों की सजा सुनाई। दोस्तों, आपको मैं बैंत के बारे में बता दूं, बैंत एक प्रकार का कोड़ा होता है जिसको हमारे शरीर पर मारने पर वह साथ में चमड़ी भी ले जाता है। 15 बैंतों की सजा के बाद जब उन्हें आजाद कर दिया गया तो अब वह चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बन चुके थे और उनके जीवन का अगला पड़ाव मतलब क्रांतिकारी जीवन यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, अब वे गुप्त क्रांतिकारी की तरह अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार का खजाना लूटते थे। सरकार मतलब अंग्रेज लोगों का खजाना। और उनकी सबसे बड़ी लूट में से एक लूट है काकोरी कांड। इस योजना में पूरे गुप्त क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन लूटने की योजना बनाई। ये पूरी योजना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा गाइड की गई और योजना सफल रही। और इस योजना के एक सहयोगी मलकापुर राव कहते हैं, काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 हमारे देशभक्तों ने रेल से खजाना लूट लिया। ये घटना 9 अगस्त सन 1925 की है। यही वो जगह है जहां खजाना लूटा गया, लेकिन कुछ साथी ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े गए। इस लूट के पश्चात चंद्रशेखर आजाद ने अपना अज्ञातवास शुरू कर दिया था और इस समय आजाद झांसी पहुँच गए और अपने सीने में आजादी की आग रखने वाले मास्टर रुद्र नारायण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को रहने के लिए जगह दी। और इसी बीच खबर आती है कि काकोरी योजना में पकड़े जाने वाले 4 क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड मिला। आइए ये भी हम उस समय के गुप्त क्रांतिकारी से ही जान लेते हैं। काकोरी केस में 4 व्यक्तियों को मृत्यु दंड मिला था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जेल से छुड़ाने के हम लोगों ने कई एक प्रयास किए, लेकिन हमें किसी प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी। तो अंत में पार्टी की तरफ से मुझे यह आदेश हुआ कि मैं जाके जेल में फांसी से एक दिन पहले उनसे मुलाकात करूं और पता लगाऊं कि पार्टी के हथियार कहां कहां रखे हैं और दूसरे संपर्क कहां क्या क्या हैं। उनके पिता दशरथ द्विवेदी में हम तीनों जेल के लिए रवाना हुए। पिताजी बिस्मिल की माँ को अपने साथ नहीं लाए थे, ये सोच के कि शायद माँ रोएगी और आखिरी वक्त मुमकिन है बिस्मिल का दिल भारी हो जाए, तो माँ को अपने साथ नहीं लाए थे। लेकिन हम जब जेल के गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि माँ वहां पहले से मौजूद। फांसी की कोठरी के हम लोग सामने पहुंचे
तो माँ को देखकर बिस्मिल रो पड़े और उनको देखकर उनके पिताजी रोने लगे। उस समय माँ उठकर खड़ी हो गई और बिस्मिल की आंखों में आंखें गड़ाकर उन्होंने कहा कि बस हो गया इनकलाब, हो गई क्रांति। अगर तुमको रोकर मरना था तो इस रास्ते पर आए क्यों थे? बिस्मिल ने जवाब भी उतना ही अच्छा दिया। उन्होंने कहा, माँ तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कायर नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, ये आंसू इस बात के हैं कि शायद मुझे दोबारा तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी, तुम्हारी गोद नहीं मिलेगी। अब आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग खत्म होते ही क्रांतिकारी गुप्त क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाते हैं और हर क्रांतिकारी के दिल में बस यही आग लगी रहती है कि ये धरती या तो मेरे खून से रंगेगी या अंग्रेजों के खून से रंगेगी। कुछ समय बाद दिल्ली के खंडरों में एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, बिहार, हरियाणा, बंगाल, MP, UP, भारत के अलग अलग राज्यों से क्रांतिकारी आए थे और यहाँ से आजाद का नेटवर्क और बड़ा हुआ और उन्हें ज्यादा साथी मिले और इस सभा के बाद उनके दल का नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलाइट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन और आजाद को कमांडर इन चीफ चुना गया। 1928 में सिमोन कमिश्नर जब भारत आया तो भारत के सभी लोगों ने उसका विरोध किया और जुलूस निकाला। जुलूस को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे और इस जुलूस पर इतना भयंकर लाठी चार्ज हुआ कि जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया, आइए एक क्रांतिकारी से ही सुनते हैं। 17 दिसंबर 1928 के दिन जैसे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल पर कोचवाड़ी से बाहर आया, जयगोपाल ने इशारा किया और राजगुरु ने आगे बढ़कर उस पर पहला वार किया, फायर किया। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने अपने पिस्तौल उसके ऊपर खाली कर दिए। वहां से उनको DAV कॉलेज के छात्रावास की तरफ जाना था। जैसे ही वो उस तरफ चलने लगे तो चरण सिंह नाम के एक हवलदार ने इनका पीछा किया। अगर वो चाहता तो राजगुरु को पकड़ सकता था, लेकिन उसने राजगुरु को न पकड़कर भगत सिंह को पकड़ना ही ठीक समझा। इस दौर में एक अवस्था ऐसी आई जब भगत सिंह आगे, चरण सिंह बीच में और राजगुरु पीछे हो गया। राजगुरु चाहता था कि चरण सिंह को पकड़े ताकि भगत सिंह को निकल जाने का मौका मिले। चरण सिंह हाथ बढ़ा रहा था भगत सिंह को पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में DAV कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए आजाद ने पहला फायर किया जो चरण सिंह के रान में लगा। चरण सिंह फिर भी दौड़ता गया। दूसरा फायर हुआ जो उसके पेट में लगा और चरण सिंह धराशायी हो गया। इस तरह से ये दोनों साथी आजाद की उस निशाने की वजह से सही सलामत वहां से बाहर हो सके। सिमोन कमिश्नर की हत्या के बाद भागवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गा बताती है, सांडर्स मर्डर के बाद रात को सुखदेव मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो आप जा सकती हैं। मैंने कहा जा सकती हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या प्लान था और क्या हुआ, लेकिन मैं तैयार हो गई। रात को 10:30 बजे जब पुलिस वाले चले गए घर से, तब ये लोग आए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। राजगुरु नौकर के वेश में थे, भगत सिंह साहब के वेश में थे, फेल्ट हैट और चेस्टर पहने हुए। तो सुबह पुलिस वालों के आने से पहले ही ट्रेन जाती थी तो हमने मैम साहब का रूप बनाया, हाई हील का जूता पहना और कपड़े बढ़िया से बढ़िया, मुंह पर पाउडर पोता और भगत सिंह दोस्त थाई साहब बना हुआ, उसने मेरे लड़के को बाएं हाथ से लिया, आधा मुंह ढक लिया और आधे मुंह पर उसने अपनी वो हैट लटका ली। इस तरीके से हम टांगे से सही सलामत स्टेशन पहुंचे। तो इस तरह आजाद वेशभूषा बदलकर आगरा पहुंच गए और बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा भगत सिंह अपनी प्लानिंग और चतुराई दिखाते हुए 2 बॉम्ब लेकर दिल्ली असेंबली में चले गए और वहां पर जाकर असेंबली के बीच में बॉम्ब गिरा डाला और बॉम्ब में चिट्ठियां भी फेंकी थी। उन चिट्ठियों में लिखा था कि बैरों को सुनाई देने के लिए धमाका जरूरी होता है और ये देखकर ब्रिटिश सरकार पूरी तरह कांप उठी थी और आजाद फिर से अज्ञातवास में चले गए थे क्योंकि दोस्तों अब भगत सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया था।
चंद्रशेखर आजाद के अज्ञातवास में चले जाने के बाद भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। और दोस्तों, कुछ गद्दार क्रांतिकारी की वजह से चंद्रशेखर आजाद का दूसरा हाथ विश्वनाथ वेशमपायन भी अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ा गया। और दोस्तों, मुझे ये बात बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक दिन जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घूम रहे थे तो उनके गद्दार क्रांतिकारियों की वजह से पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद पर गोलीबारी कर दी। चंद्रशेखर आजाद का निशाना बहुत ही तेज था और चंद्रशेखर आजाद अपनी बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ते रहे और जब उनकी बंदूक में आखिरी गोली बची थी तो उन्होंने वो गोली अपने आप को सौंप डाली। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो सेक्रीफाइस हमारे लिए किए हैं, हम उन्हें पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते। और इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की फेवरेट हॉबी जो कि बुक रीडिंग है, अगर आप भी बुक रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और आप बुक रीडिंग हैबिट को बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो फ्री बुक्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को चेक करना ना भूलें। और ऑफ कोर्स, एक बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी तरह के जोश भरे वीडियो देखने के लिए शुभ को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो मैं शुभ आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।